किसे दुनिया चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। वाह क्या मौसम है आज, तो ड्राइविंग करने का मजा ही अलग है। मार दिया। मैडम एक बात बताओ, आपकी आंखें हैं या बटन दिखाई नहीं देता क्या? इतना हट्टा कट्टा मोटा इंसान आपकी गाड़ी के आगे चल रहा था। दिखाई मुझे नहीं दे रहा या तुझे दिखाई नहीं दे रहा? बीच रोड में कौन चलता है? मैडम पहले तो अपनी इस गाड़ी की डायरेक्शन देखो, मैं अपनी साइड में चल रहा था, आपने ना मुझ में आके गाड़ी ठोकी है। और इसके अंदर ना एक हॉर्न नाम की चीज होती है, आप उसे भी तो ठोक सकते थे, मुझे क्यों ठोक दिया? पूरी की पूरी गाड़ी ठोक दी, अभी भी हॉर्न की कसर रह गई है क्या? ए मैडम पहले तो ना ये गाड़ी अच्छे से चलानी सीख के आओ। और ये गाड़ी लड़कियों के बस की नहीं है चलानी, ये सिर्फ लड़के चला सकते हैं। आप लड़कियां तो सिर्फ कंडक्टर सीट पे चश्मे लगा के अपना मेकअप कर सकती हो। तुम कुछ ज्यादा बेइज्जती नहीं कर रहे हो मेरी? रुक जा अभी बताती हूँ मैं, अभी तो तू बच गया होगा ना, अब देख। अरे मैडम, अरे मैं तो मजाक कर रहा था मैडम। नहीं बेइज्जती कर गया ये लड़कियों की ड्राइविंग की, मेरे से बर्दाश्त नहीं है कोई ऐसे लड़कियों की बेइज्जती करे। अब मेरे को ये कुछ करना पड़ेगा, एक काम करती हूँ, ड्राइविंग स्कूल खोल लेती हूँ और सारी की सारी लड़कियों को ना ऐसा गाड़ी चलाना सिखा दूंगी ना कि कहीं से भी हेलीकॉप्टर बना के उड़ा देंगी। कल से ही शुरू करती हूँ ये काम तुम्हें। अब ये देख के तो लड़कियां खींची चली आएगी मेरे ड्राइविंग स्कूल में और लाइन लग जाएगी लड़कियों की। अब वेट करती हूँ लड़कियों के आने का, बस आने ही वाली होंगी लड़कियां। अब ना जो लड़कियों के ऊपर बेफालतू के इल्जाम लगाए जाते हैं ना कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती, अब मैं सबको प्रूफ कर दूंगी। आ जाए बस एक बार। कहाँ रह गई, इतना टाइम लग रहा है क्या आने में इनको? लड़कियां तो आई नहीं रही, मुझे तो लगा था बहुत सारी लड़कियां आ जाएंगी बोर्ड देख के, अब कुछ और ही करना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, तो आपके अपने मोहल्ले में पहली बार लाए हैं महिला कार ड्राइविंग स्कूल। जी हाँ आपने सही सुना है, महिला कार ड्राइविंग स्कूल। तो बच्चों लड़कियों महिलाओं उनके माता पिता व सह परिवार सभी सुनो, अपने अपने घर की लड़कियों को भेजो गाड़ी सीखने के लिए और आपको कोई भी कष्ट ना हो इसलिए ये सुविधा दी जाती है बिल्कुल मुफ्त। जी हाँ आपने सही सुना, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। तो जल्द ही भेजिए अपनी महिलाओं को, बेटियों को, बहनों को फैंसी नैंसी लर्निंग स्कूल में। थैंक यू। अब तो लड़कियां पक्का आएंगी, गली गली जाके बोल के जो आई गला फाड़ फाड़ के अपना, आती होंगी लड़कियां। अब तो अरे कहाँ रह गई, अब तो फ्री कर दिया, अब तो आ जाओ। आई नहीं अभी तक, आ जाएंगी थोड़ी देर में। अब भी नहीं आई, अब तो एक ही ऑप्शन बच गया, घर घर जाके बुला के लाना पड़ेगा लड़कियों को। कल ही जाती हूँ।
सुन रिद्धि, मैंने ना ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। और तेरे को पता है स्पेशल बात क्या है इसकी? बिल्कुल फ्री है, तुझे एक भी पैसा नहीं देना। अच्छा, नाइस। हाँ तो ठीक है ना, तू सीखने के लिए आ जाइयो। पता है लड़कियों को ना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उन्हें गाड़ी चलानी आनी चाहिए। अरे बट मैं क्यों सीखूं? मेरे बंदे के पास ना थार है, तुझे तो पता ही है मैं उसमें बैठ के जाती हूँ, मैं क्यों सीखूं ड्राइविंग? अरे तू एक बार सोच के तो देख। अच्छा सोच, अगर जारा पे सेल लगी हुई है, वो भी 70% ऑफ, और तेरा बंदा गया हुआ है बाहर मनाली किसी और के साथ, मतलब किसी दोस्तों वोस्तों के साथ, तो तू क्या करेगी? सेल मिस कर देगी क्या? नहीं ना, तो सोच कैसे जाएगी? हाँ यार, बोल तो तू सही है पर मुझे नहीं सीखनी। अरे यार तू सोच तो सही, तू तो सोच ही नहीं रही। अगर हमें मूवी जाना हो तो अकेले जा सकते हैं ना, लड़कियों को इंडिपेंडेंट होना जरूरी होता है, तो तू सीख लियो ठीक है गाड़ी। सुन, अगर तू ड्राइविंग स्कूल की जगह पार्लर खोलती ना तो मैं तेरे पास रोज आ जाती, पर इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। क्या कर रही, तो मान ही नहीं रही, मेकअप की दुकान। अच्छा सुन, मेरे पास ना तेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है, एक्सक्लूसिवली फॉर यू। बताऊं क्या? क्या? मैं ना तेरे को मेकअप किट फ्री दूंगी, वो भी मैक वाली। मेकअप किट? वो भी मैक की? बता फिर कब आना है। जैसी तेरी ड्राइविंग क्लास पूरी हो जाएगी ना, मैं तेरे घर तेरी मैक की किट पहुंचवा दूंगी। ठीक है, आज ही शुरू करते हैं हम। ठीक है, मैं बाकी के बच्चों को इकट्ठा कर लेती हूँ। ठीक है, बाय बाय। चलो सही है, पहला कस्टमर तो मिल गया। ओए विनय, तेरे को पता है मैंने ना ड्राइविंग स्कूल खोला है, और मैं ना सबको गाड़ी चलाने सिखाऊंगी। और तेरे को भी गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो तुम मेरे स्कूल में आ जाओ, मैं तेरे को भी ट्रेंड कर दूंगी बिल्कुल। अबे जाना, मेरे को ड्राइविंग सीखने की क्या जरूरत है, मेरा बड़ा भाई है ना, उसको आती है ड्राइविंग। बड़ा भाई? आप? तुम? आप, तुम एक दूसरे को जानते हो पहले से? हाँ जानते हैं भाई। वो मैं तेरे को सुबह बता रहा था ना कि जब मैं रास्ते से जा रहा था, एक लड़की ने मेरे को गाड़ी से ठोक दिया था। हाँ, तो वो यही लड़की है। ओह अच्छा, तो इसी ने ठोका था आपको? और पता है ये मेरे को ड्राइविंग सिखाने के लिए आई है। क्या, गाड़ी सिखाने? अबे इसको खुद को तो गाड़ी चलानी आती नहीं, तेरे को सिखाएगी ये गाड़ी, मत सीखियो इससे। और वैसे भी एक घर में एक बंदे को गाड़ी आए, वो बहुत है। हाँ तो क्या हो गया भैया, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, गाड़ी तो सबको आनी चाहिए। अच्छा, जब मेरे भाई को गाड़ी सीखनी होगी ना, मैं खुद सिखा दूंगा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी थोड़ा सा बैठी क्या है यहाँ, निकल। अरे सुन, मैंने ना ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। और बेस्ट बात बताऊं क्या है, फ्री है, बिल्कुल फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। हमने ना सीखनी ड्राइविंग ड्रूविंग, मारे पापा ने आती है ड्राइविंग करनी। अरे यार गाड़ी सीख ले कमो, तेरे को पता है लड़कियों के लिए कितनी जरूरी होती है गाड़ी चलाना आना। अरे जैन है तू, मैंने तो रेसलिंग सीखनी है, मैंने तो गोल्ड मेडल जीतना है रेसलिंग में। मने ना सीखनी गाड़ी गुड्डी चलानी, मने तो टेम्पो आता है चलाना। हाँ तो कर ले तेरी रेसलिंग की प्रैक्टिस, मैं कौन सा तेरा रोकूं, तू अपनी रेसलिंग की प्रैक्टिस करती रही और गाड़ी भी सीख ले, है ना। तो ना मैं इसी ट्रिक सिखा दूंगी ना, इसे कट सिखा दूंगी, कि तू कदे भी मात नहीं खाओगी, याद करेगी तेरी बहन ने। अरे तू जान है, मने अड़े प्रैक्टिस करने दे। टेम्पो चलाओगी, खुद टेम्पो सी हो रही है। अच्छा सुन, मेरी एक बात सुन, तू कान खोल के सोच, तेरा फाइनल है रेसलिंग का, ठीक है, और तूने बहुत दूर जाना है, और तेरे पापा है नहीं आसपास, तो तू कैसे जाएगी? सोच तेरा कैंसिल हो जाए जाना, जा नहीं पाई तू, तेरा गोल्ड मेडल तो चला गया तेरे हाथ से। थोड़ी बात तो तेरी सोचने वाली है। हाँ सोच सोच। ठीक से आ जाऊंगी मैं। ठीक है तो फिर आजिए, मैंने ना और भी लड़कियां इकट्ठी कर रखी है, साथ में सिखा दूंगी सबने, ठीक है। What a hottie, yeah, I'm feeling naughty.
Just do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Just do it, 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 do it. गर्ल्स सबसे पहले लेंगे महादेव का नाम। चलिए हर हर महादेव। गाड़ी चालू करने से पहले हमेशा गाड़ी को ऐसे करो। तुम भी करो। अब पहली चीज, गाड़ी चलाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, हैंड ब्रेक को ऊपर करना है, मेरा मतलब नीचे करना है, ठीक है? तो पहलवान पहले तू कर। चलो ले इव किया। नाम नाम की पहलवान है या तो। मेकअप वाली मैडम आप करो जरा, आपका नंबर है। ये ब्रश छोड़ दो थोड़ी देर, इसको पकड़ लो। बस रहने दो, नाखून टूट जाएंगे आपके ना, मैं ही कर दूँ, गुरु तो गुरु ही रहता है। ये देखो इसको ऐसे पकड़ा और ऐसे नीचे। हो जाता है कभी कभी, इसको पकड़ के ऐसे नीचे कर। एक काम करते हैं, YouTube पे ना वीडियो खोल के देख लेते हैं कि हैंडब्रेक कैसे है इन लोगों का। नहीं नहीं ऐसे ऐसे YouTube पे देख लोगे, गुरु हूं मैं तुम्हारी, मैं ही सिखाऊंगी सब कुछ। इसको बटन, हाँ बटन, पता नहीं भूल गई मैं, बटन होता है इसमें, पहले इस बटन को दबाओ और फिर नीचे। ये देखो सिंपल। अब लड़कियों तुम्हारा सबसे पहला लेसन यही तो था, मैंने तो जानबूझ के सब कुछ किया था, ये किडिंग कर रही थी मैं तो। हाँ पता है क्या, हमें ना कभी भी हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, पहला लेसन तुम्हारा ये है, क्योंकि ऐसे ही कभी भी अटक सकता है, कभी कभी हमारे हाथों में जान नहीं रहती ना, तो ऐसी हैंड ब्रेक नीचे नहीं कर पाएंगे हम, इसलिए हैंड ब्रेक को कहो नो, कभी मत लगाओ, ओके? गुड। चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट लेसन है ये होता है एक्सीलेटर, पहले वाला, दूसरे वाला ब्रेक और तीसरे वाला क्लच, यानी कि उल्टा ABC। ए फॉर एक्सीलेटर, बी फॉर ब्रेक, सी फॉर क्लच, ABC। बोलो। A for accelerator, B for brake, C for clutch. Very good, बहुत intelligent student हो। अब हमें सबसे पहले क्लच दबाना। और चाबी का क्या काम है? गाड़ी स्टार्ट ना करनी? चाबी। ये देखो, ये चाबी होती है। अब इसको हमें उस छेद में घुसा देना है, ऐसे। ये देखो जी चाबी लगा दी, चाबी को घुमा के इसको ऑन कर दो, ऐसे, ठीक? आहो, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, क्लच दबाना है सबसे पहले। ये दबा दिया मैंने क्लच, अब पहले गियर में डालेंगे इसको, ठीक है जी? ये लग गया हमारा गियर नंबर वन, मतलब सबसे पहला गियर। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे क्लच को छोड़ेंगे। अरे गाड़ी चल पड़ी। ये देखो ऐसे गाड़ी सीधी चलती है, हैंडल को हमें बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है? अब थोड़ी देर हम सीधी चलाएंगे। तो गर्ल्स अब तुम्हारा सेकंड लेसन है इंडिकेटर देने का। तो देखो अब हमें राइट मुड़ना है, तो हम पहले इंडिकेटर देंगे ऐसे। अरे पर हमें तो राइट जाना है, ये लेफ्ट का इंडिकेटर क्या बोल रहा है? ए मैडम इतना तो हमने भी बेरा है, राइट मुड़ना हो तो राइट की बत्ती दिया करें। अरे तुम लोगों को यही तो नहीं पता, हम लोग लड़कियां हैं लड़कियां, और लड़कियों को ना 24/7 सतर्क रहना पड़ता है, तो इसलिए जब भी तुम्हें ऐसा लगे कोई लड़के तुम्हें फॉलो कर रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, राइट का इंडिकेटर देके और लेफ्ट मुड़ जाना है। ऐसे ही तो पीछा छूटेगा तुम्हारे लड़कियों से। मन में ना जरूरत हो इंडिकेटर पिंडिकेटर की, कोई सा आ जाए आगे ऐसी धोबी पछाड़ दूंगी, ससुर यूं मारूंगी। और वैसे भी ये ट्रिक मेरे किसी काम की तो है नहीं, अगर मुझे लेफ्ट जाना होगा ना तो मैं लेफ्ट का इंडिकेटर दूंगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ यार लड़के मेरे पीछे पड़े। पावली त्रेड।
तो लड़कियों अब तुम्हारा नेक्स्ट लेसन ये है कि जब भी तुम्हें लगे ना कि कोई बुड्ढा उड्ढा आगे गाड़ी चला रहे बिल्कुल स्लो 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 और तुम्हें कट लेके साइड से निकलना है, तो तुम्हें कैसे कट लेना है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, ठीक है? ये देखो ऐसे गाड़ी है तो तुम लोगों को एक ही बेबे का गर्ल्स तुम घबराओ मत ये तो तुम्हारी ट्रेनिंग का पार्ट है ना, लर्निंग का पार्ट है ये तुम्हारी। हाँ अगर ऐसे कभी भी कोई ठुक जाए ना, जो मुझे पता है कि तुम लोग पक्का कभी ना कभी तो ठोकोगी किसी को गाड़ी, तो तुम्हें कैसे इस चीज को हैंडल करना है, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है ना, बस गाड़ी से उतरना है और बहस करनी है, उसको एक शब्द बोलने का भी मौका नहीं देना है। और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानना है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? चलो अब ट्रेनिंग का टाइम है, आ जाओ प्रैक्टिस करवाऊं। क्या कर रहे हो यहाँ पे लेटे लेटे? हाँ तुम्हें चलानी नहीं आती क्या साइकिल भी? बचपन में सिखाते साइकिल चलाना तो, और अभी तक नहीं आई तुम्हें अभी तक? अरे चांद्रे हमने देखा तुझे अभी, ये वो जगह है साइकिल चलाने की? गाड़ी के नीचे आ जाता तो यारे कोई सोने की जगह है पड़ा इधर? सोने की जगह नहीं है, ये रोड है, रोड गाड़ियां चलती है इस पे, गाड़ी है ना कि साइकिल है। साइकिल उठा के आ जाते हैं और फिर लड़कियों की गलती बता देते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलानी नहीं आती है। अरे मैडम बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जुबान काट दूंगी, इतने बेरा ना ही हमारी ड्राइविंग स्कूल टीचर है। हाँ मैं स्कूल चलाती हूँ पता भी है, ड्राइविंग लर्निंग स्कूल लड़कियों को सिखाती हूँ मैं गाड़ी, ठीक है? मेरी कोई गलती नहीं है, तेरी गलती है सारी। अरे मैडम मेरी बात, जब का जवान लड़ाई जा रहा है, कैची लेके काट दूंगी मैं। अबे तो गलती खुद, अबे ओ चुप हो जा, बहुत देर से सुन रहे तेरी तेरी गलती और इसे एक्सेप्ट कर ले। अभी गाड़ी के नीचे आ जाता ना तो हम पे ब्लेम कर देता तू। अरे ओ मेरी माँ, जाने दो मुझे, मेरी गलती है मैं जो तुम्हारी गाड़ी के आगे आया, जो मैं दुनिया में पैदा हुआ, जाने दो मुझे, जाने दो। हाँ तो इतनी देर से यही तो कह रहे हम, तेरी गलती है, मान नहीं रहा था तब से, इन्हें ठहर जा। अबे ओ रुक, कहाँ जा रहे तू है? ये जो तेरी साइकिल ने मेरी गाड़ी का नुकसान करा है उसकी भरपाई कौन करेगा है? अरे मैडम मेरी साइकिल का नुकसान हुआ, मैंने आपसे कुछ बोला? अच्छा तुम्हारा जवान लड़ा रहा है, नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा? अरे मैडम बहस नहीं कर रहा, ये बताओ कितना नुकसान हुआ आपकी गाड़ी का? 500 में हो जाएगा। अरे यार यही लाया था पॉकेट में, लो 500 रुपए। हाला दे, चल जा अब निकल, अब ध्यान से चलाइयो गाड़ी, ठीक है? निकल। देखा लड़कियों, कभी भी ऐसी सिचुएशन आए ना उसे ऐसे हैंडल करना है, सीख गई हो ना अब तुम? वेरी गुड, चलो अब मैं तुम्हें दूसरी क्लास देती हूँ, ठीक है? चलो चलो। तो गर्ल्स अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि रात को गाड़ी कैसे चलाते हैं। रात का टाइम ना बड़ा ही संगीन होता है, तो हमें ना चौकन्ना रहना पड़ता है, आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है? इधर उधर देखते हुए चलो, कभी भी रात को ना कोई भी हमें फॉलो कर सकता है। ठीक से हवलदार वो देख गाड़ी, उसको रुकवा जरा, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी चलती हुई आ रही है, रुकवा। ओके जनाब। पुलिस वाले ये क्यों रुकवा रहे हैं? मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। ये कैसा ड्राइविंग स्कूल चला रही है, टीचर के पास लाइसेंस ही नहीं है, बच्चे को क्या सिखाएगी? गर्ल्स देखो ऐसे सिचुएशन में ना हमें घबराना नहीं है, ठीक है? हम किसी से नहीं डरते, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। और पुलिस वालों को क्या है, वो तो सारी गाड़ियों को रोकते हैं, पैसे जो कमाने हैं इन्हें तो, है ना? अब ऐसी चीज के लिए हमारे पास एक प्लान है, बहुत अच्छा। तो तुम्हें क्या करना है, पीछे तकिया रखा होगा, निकाल जल्दी, निकाल जल्दी। अब इस तकिए को अपने पेट के अंदर डाल लेना है ऐसे, ये देखो हो गया हमारा बेबी तैयार। और चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस वालों को यकीन दिला देना है कि आप प्रेग्नेंट हो और जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना है, ठीक है? गुड आइडिया। हाँ चलो। मैं डरती पुलिस वालों से, फूफा मेरा SI है, चल। अरे जल्दी बाहर आओ ना, क्या कर रहे हो? इनका तो मैं मोटा चलान काटूंगा। अरे निकल लो। अरे सर, सर जाने दो सर,
सर, छोटा बेबी है पेट में, जाने दो सर, हॉस्पिटल जाना है, बहुत इमरजेंसी है। छोटा बेबी, लेकिन तुम्हारी उम्र तो नहीं लग रही, बेबी वाली 18 साल की हो? हाँ सर, 28 की हूँ मैं, मेरी तो दो बार शादी हो रखी है। सर, अरे सर जाने दो, वरना यही निकल जाएगा बच्चा, निकल रहा है सर, जाने दो सर, जाने दो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैडम जल्दी लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो चलो। बेचारी कितनी तकलीफ में है। अरे 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 अरे, हवलदार हमसे चलाकी, एक काम कर, इनको पकड़, भाग जाओ, पकड़ जल्दी। नैन्सी, मेरे भाई को पैरालिसिस अटैक आया है और मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, एम्बुलेंस वाले ने बोल दिया कि बहुत टाइम लगेगा, अगर टाइम लग गया और भाई को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तेरे को गाड़ी चलानी आती है ना, प्लीज भाई को हॉस्पिटल ले चल। हाँ, मैं अभी चाबी लेके आती हूँ। तो सही हुआ कि आप इसे सही टाइम पे ले आए, नहीं तो अगर देर हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। ये कुछ दवाइयाँ हैं जो मैं दे रहा हूँ, जो इन्हें टाइम पे देते रहना। जी, थैंक यू, आज आपकी वजह से मेरी जान बच गई। और आप सही बोल रहे थे, सबको गाड़ी चलानी आनी चाहिए, क्या पता कब कौन सी एमरजेंसी आ जाए। और हाँ, कल से मेरा भाई आपके पास गाड़ी सीखने आएगा।